मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहां के जिला अस्पताल में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। डॉक्टर्स अब घायलों की हालचाल की जानकारी देंगे। इसके बाद हो सकता है मुख्यमंत्री इसी के बाद अर्पिता घटनास्थल पर जाएं और वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जानकारी दें कि आखिरकार हादसा कैसे हुआ। तो फिलहाल घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 121 मौतें हो चुकी हैं जिसको हादसे और साजिश दोनों ही एंगलों से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब जांच अपने स्तर से हो रही है, लेकिन आपको बता दें इसको लेकर पीएल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया गया है। और आपको बता दें जो FIR है उसको लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें बाबा का जिक्र नहीं है और अभी तक बाबा का कोई अता पता भी नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और खैर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हाथरस के अस्पताल में, जहां पर पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं CM। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जाहिर तौर पर यह बड़ी लापरवाही का मामला जिसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 85,000 की जगह वहां पर 2.5 लाख लोग बाबा के प्रवचन को सुनने पहुंच गए, ऐसे में कौन है जिम्मेदार? ये लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि FIR में जिन लोगों का नाम दर्ज है शायद उन्हीं नामों तक सीमित ना हो आरोपियों के नाम। मुख्य आरोपी के तौर पर बाबा का नाम शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन बाबा अभी फिलहाल अंडरग्राउंड है, FIR में उनका नाम नहीं है और उन्हें समर्थन हासिल है अपने लाखों समर्थकों का। चित्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। चित्रा, हम देख रहे हैं घायलों से मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और ऐसे में खबरें, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, जरा स्पष्ट कीजिए और साफ कीजिए कि क्या ऐसी खबरें भी वहां पर चल रही हैं कि वहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से भी भगदड़ मची? कई लोगों ने इस तरह की जानकारी दी है अर्पिता कि अब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी और बाबा की गाड़ी जब आगे बढ़ रही थी तो भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और वहां पर पानी का टैंकर भी खड़ा हुआ था जिससे लोग लगातार पानी पी रहे थे, तो वहां पर पानी काफी तादाद में बिखरा हुआ था जिसके कारण चिपचिप हो गया था, यानी कि पूरा कीचड़ फैला हुआ था और फिर लोगों को भगाया गया तो पैर फिसलता हुआ चला गया और फिर एक के ऊपर एक लोग गिरते हुए चले गए और फिर कुचलते हुए कुछ लोग दूसरी तरफ भागते हुए भी दिखाई दिए। चूंकि यहां पर लाखों की तादाद थी और हजारों की तादाद में सड़क के इस पार लोग आ गए थे जो बाबा के चरण रज यानी कि उनके पैरों की, उनकी गाड़ी की धूल लेना चाहते थे, इस वजह से इस तरह की स्थिति पनपी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अर्पिता और नेहा यही पूछे जा रहे हैं कि मौजूदा वक्त में भी बाबा को लेकर अब तक FIR में उनका नाम क्यों नहीं दर्ज किया गया है। यह ठीक बात है कि वो लाखों लोगों के अनुयायी उनके हैं, लोग उनको मानते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके चरण की धूल पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, लेकिन अगर आपके नाम पर इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर आते हैं, वो आप पर भरोसा करके वहां पर पहुंचते हैं, वो अपनी जिंदगी के कष्ट को मिटाने के लिए आपके पास पहुंचते हैं और यहां से जीवन भर का ऐसा गम, ऐसा दुख, ऐसा दर्द दिया गया है जिसको शब्दों में बांधना मुश्किल बिल्कुल है। लेकिन एक चित्रा, एक चीज और समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने ही चश्मदीदों से बात की और कुछ चश्मदीद जो बता रहे हैं वो ये कि बाकायदा वहां पर लिखित में दिया गया कि सेवादार जो है वो पूरे लोगों को नियंत्रित कर लेंगे, पुलिस की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। पहली ये तस्वीर क्या साफ हो पाई है कि इसमें सच्चाई कितनी है? दूसरा, मंच से जब समापन हो जाता है कार्यक्रम का, वहां पर यह कह देना कि अब आप लोगों के धूल को, मतलब बाबा के पैर के धूल को लेने के लिए अब आगे बढ़िए, तो ऐसे में आप खुद आवाहन कर रहे हैं कि एक साथ इतने लोग वहां पर जब भागेंगे तो ऐसी स्थिति हो सकती है। यानी सीधे तौर पर जिम्मेदार वो आयोजक भी, बाबा के वो सेवादार भी जो इसका आवाहन कर रहे हैं कि आइए चरण वंदना के लिए। देखिए, इस तरह का माहौल बनाया जाता है जो इस तरह के बाबा होते हैं। देखिए, इस खबर के दो पहलू हैं, एक तरफ तो बाबा और उनके लाखों की तादाद में अनुयायी कई सालों से वो इसी तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, 12 सालों के बाद हाथरस में उनका इस तरह का कार्यक्रम हुआ है। दूसरी तरफ आप लगातार, क्योंकि आप बीमारी को ठीक कर देंगे उनके चरण रज धूल से, आपके जीवन में खुशहाली हो जाएगी उनके पैरों की मिट्टी की धूल से, आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई है, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी उनके चरण की, तो क्या ऐसा संभव है? ये यकीनन एक
तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश उन सीधे साधे भोले भाले गरीब लोगों को है जो आप पर भरोसा करके आते हैं ताकि आपसे कुछ सीख कर वो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की देखिए, बाबा के सेवादार कुछ भी कहें लेकिन पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होती है? अगर आपने यूनिफॉर्म पहनकर रखा हुआ है और यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट काम करती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पर सुरक्षा को सुनिश्चित करें और वहां पर 40 या 50 की तादाद में पुलिसकर्मी भेजकर लाखों की तादाद की भीड़ को आप कैसे मैनेज करेंगे? और बाबा के सेवादारों के भरोसे अगर आप यहां की जनता को छोड़ देंगे, क्योंकि सिर्फ वो हाथरस के लोग नहीं थे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए लोग थे, यूपी के बाहर के लोग थे, मैंने वहां पर तमाम बिखरे हुए कार्ड देखे हैं जो सैकड़ों की तादाद में थे, जिनके घर पे इसी जुलाई के महीने में शादी, किसी के वहां 11 तारीख को है, किसी के वहां 16 तारीख को है, किसी के वहां 20 तारीख को है, जुलाई के महीने में शादी थी और वो आपको देने के लिए आए थे ताकि आपका आशीर्वाद वो प्राप्त कर सके। और बाबा अभी तक गायब है, 121 लोगों की मौत के बाद भी उनकी चुप्पी नहीं टूटी है, वो मानवता का संदेश देते हैं। ये कौन सी मानवता है कि आपके अपने लोग जो आप पर भरोसा करके यहाँ पर आपको सुनने के लिए, आपकी एक नजर पाने के लिए आते हैं, जब उनकी जान चली जाती है तो आप छिप कर बैठे हुए हैं और आपके बारे में अब तक कोई जानकारी भी पुलिस प्रशासन को नहीं मुहैया हो पा रही है। कोई कह रहा है आश्रम में है, कोई कह रहा है कहीं और चले गए हैं, कोई कह रहा है गायब हो गए हैं, लेकिन ऐसे तो बाबा नहीं हो सकते। अगर आपके भीतर उस तरह की ताकत, उस तरह की शक्ति है जिसका दावा आप मंच पर बैठकर करते हैं लाखों लोगों की भीड़ के भीतर, और अब आप ही के लोग मारे गए हैं, भगदड़ में मारे गए हैं, आप घायलों से मुलाकात करने के बजाय, लोगों को सांत्वना देने के बजाय, उनके परिवार का गम दुख दर्द बांटने के बजाय आप गायब हो गए हैं, तो बाबा को लेकर कई तरह के सवाल है लेकिन FIR में बाबा का नाम नहीं है। पुलिस प्रशासन को लेकर कई तरह के सवाल है। फिलहाल आपको बताते चले कि अभी मुख्यमंत्री घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस वालों ने मुझे जानकारी दी कि मुख्यमंत्री यहाँ भी आ सकते हैं, लोगों को हटाने का काम भी किया गया, हालांकि इंतजार किया जा रहा है, सुबह ही IG आकर यहाँ पर हालात का जायजा लेकर जा चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर सवाल कई है लेकिन अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। अर्पिता जरा सोचिए, किसी की कोख उजड़ गई, किसी की मांग का सिंदूर चला गया, किसी का बच्चा जो जवान था उसकी जान चली गई, किसी के परिवार के बुजुर्ग लोग यहाँ पर मारे गए, यानी कि लंबी तादाद है। यहाँ पर उनके दर्द को शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिनके ऊपर ये चीजें बीत रही है वो सिर्फ उस कष्ट को वही समझ सकता है। हम तो सिर्फ शब्दों में बांध कर लोगों तक पहुंचा सकते हैं लेकिन जिसके घर के लोगों की मौत हुई है उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस बात को समझा जा सकता है। ऐसे में चाहे वो बाबा हो, उसके सेवादार हो, यहाँ के आयोजनकर्ता हो, यहाँ का पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सभी से सवाल पूछे जाएंगे कि इस तरह की स्थिति आखिर क्यों पनपी और जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई कब होगी ताकि दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं पनपने पाए, उसी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बाबा का FIR में नाम नहीं होना यकीनन अपने आप में बहुत हैरान भी करता है और परेशान भी करता है। चित्रा जरा ये भी अपडेट दीजिए कि ऐसी भी खबरें आ रही कि बाबा के खिलाफ पहले से ही 5 मुकदमे हैं, 5 FIR हैं, इस खबर में कितनी सच्चाई? देखिए, इस तरह की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोगों की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि जो बाबा है उसके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे हो चुके हैं, लेकिन इन सब के इतर वो बाबा के रूप में कई सालों से काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन बकायदा इसकी इजाजत देता है, जब आयोजकों की ओर से इसकी इजाजत मांगी जाती है, हजारों की तादाद में यहाँ पर इजाजत दी जाती है, लेकिन जब लाखों की तादाद में लोग उमड़ आएंगे और पुलिस के कुछ लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और उनको भी, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे थे, कि जब वो आगे की तरफ दाखिल होते हैं तो फिर पुलिस वालों को कह दिया जाता है नहीं नहीं हमारे सेवादार हैं, वो यूनिफॉर्म में, आप चले जाइए पीछे, तो उनको भी पीछे कर दिया जाता है और वो भी पीछे चले जाते हैं। लेकिन ये इसका एक पहलू है। पुलिस और प्रशासन की धमक इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जब भी इस तरह का आयोजन हो तो कमान उनके हाथ में हो। अगर कमान उनके हाथ में नहीं होगी तो इस तरह की स्थिति पनपेगी। यहां पर 1-2 लोगों की मौत नहीं हुई है, 121 लोगों की मौत हुई है, जिसमें छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे भी हैं। एक बच्चे के बॉटल में दूध भरी हुई जो तस्वीर मैं देख कर आ रही हूँ, छोटे छोटे जूते मैं देख कर आ रही हूँ, वो इतनी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। जरा सोचिए, जब वो भीड़ में गिरे होंगे, उनके ऊपर से कुचलते हुए लोग जब भागे होंगे, उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी, इस बात को बयां करते समय भी मन कांप जाता है। लेकिन यहां पर तो ये हुआ है, ऐसे में पल्ला झाड़ने की कोशिश किसी की ओर से की जाए, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे यहाँ के सेवादार हो, चाहे वो बाबा हो, जो छुपा छुपा, ऐसा कौन सा बाबा हो सकता है? आपके 121 लोग मारे गए और आप छुपे हुए फिर रहे हो, आपको तो तुरंत उसी समय सामने आना चाहिए था, लेकिन अब तक आप क्यों भागे भागे फिर रहे हो? आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे मंच से,